नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए एमएस एक्सेल का फिर से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज फिल्टर फंक्शन को। इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन क्या काम करते हैं, आखिर हम एमएस एक्सेल में फिल्टर फंक्शन क्यों उपयोग करते हैं, क्या काम है इसका। आज का जो वीडियो होगा वो फिल्टर फंक्शन से रिलेटेड होगा। दोस्तों यदि आप हमारी एक्सेल सीरीज से नए जुड़े हो या फिर अभी भी एमएस एक्सेल सीख रहे हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर एक्सेल के बाकी चैप्टर को भी देखकर क्लियर कर सकते हो और कुछ इसमें और फंक्शन को सीख सकते हो। तो जो आज का जो होगा ट्यूटोरियल हमारा वो होगा फिल्टर फंक्शन से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं फिल्टर फंक्शन को। दोस्तों फिल्टर फंक्शन आपको होम में मिल जाएगा एमएस एक्सेल के अंदर। अब बात करते हैं हम इसका कब उपयोग करें। देखिए दोस्तों, जब आप एक्सेल के अंदर कोई शीट तैयार करेंगे, शीट के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू को कंडीशन के आधार पर डिस्प्ले कराना है तब आप फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके काउंट है, काउंट में आपको ग्रेटर देन लेस देन डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हो, फिल्टर पर्टिकुलर उस वैल्यू को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखें, आप एक सेल में फिल्टर लगाएंगे तो सभी डिस्टर्ब होंगे यहाँ पर, या एक रो कॉलम में लगाएंगे तो सभी यहाँ डिस्टर्ब होगी क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे से इंक्लूड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सभी में फिल्टर को एक्टिवेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जहाँ तक यहाँ से एरिया तक सिलेक्ट करना है जहाँ तक आपको फिल्टर लगाना है, लेकिन मुझे सभी में लगाना है। ठीक है, क्योंकि डिस्टर्ब तो सभी सेल होनी है, रो होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर है फिल्टर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पर हम फंक्शन पर क्लिक कर देंगे फिल्टर पर। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्विच बन के आ जाएंगे सभी कॉलम के। देखिए ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी। देखिए दोस्तों, हमने प्रेजेंट वीडियो में यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग के ग्रेटर देन लेस देन हमने पढ़ लिए है ना। तो यहाँ पर हमको कुछ कंडीशन लगानी है, जैसा कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर काउंट है, काउंट में 5, 8, 4 है। मैं चाह रहा हूँ काउंट में मुझे 5 से लेकर 9 तक की वैल्यू ही सो हो, बाकी सब हाई डोज हैं। तो यहाँ पर आप कंडीशन लगा सकते हो इस तरह, आप स्विच पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर नंबर ऑफ फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर है बिटवीन। देखिए बिटवीन से आप क्लिक करेंगे तो आप, मैंने बोला कि 5 से लेकर 9 तक की वैल्यू मुझे शो कराए, मुझे इस तरह का फिल्टर इसमें देना है। तो यहाँ पर मैंने 5 वैल्यू टाइप की, यहाँ पर 9 टाइप कर देता हूँ एंड यहाँ ओके प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए 5 से लेकर 9 तक की वैल्यू दे दी, 5, 8, 7, 9, और उससे जो वैल्यू है वो उसको हटा दी है ना। तो यहाँ पर काफ़ी कंडीशन है, और भी आप कंडीशन लगा सकते हो, जैसे कि इस कॉलम के अंदर आप चाह रहे हो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आपको करनी है वो आप यहाँ तक लगा सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर मुझे 9 से ऊपर तक की वैल्यू चाहिए, तो जैसे ही मैं 9 से ऊपर की देंगे तो यहाँ पर 12 मुझे शो करा देगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बिटवीन के बाद आप और भी कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस पर स्विच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको फिशन नंबर ऑफ फिल्टर इक्वल, आप इक्वल मतलब एक वैल्यू को आप शो कराना चाह रहे हैं कि जहाँ पर एक वही वैल्यू टाइप है वही शो हो, तो वो हो सकती है इसमें। ऐसे आपको 35 चाहिए, यहाँ पर पूरे कॉलम में 35 जहाँ पर लिखा हुआ है केवल वही शो होगी। ऐसे आप क्लिक करेंगे तो 35 आएगी, लेकिन यहाँ पर अभी एक वैल्यू ही 35 की लिखी हुई, इसलिए यहाँ पर ये शो कर रही है। ठीक है, एंड आप चाह रहे हो कि पर्टिकुलर मुझे यहाँ पर सोनी टीवी नहीं दिखाना है तो आप वो भी हाइड कर सकते हो। यहाँ पर इसको लगता है यहाँ पर कंडीशन लगी रही है, चलिए हम लगा देते इसमें फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि सोनी टीवी सोनी एलसीडी नहीं सुनो हो, तो यहाँ पर आप इसके चेकबॉक्स को अनफिल कर सकते हैं है ना। तो देखिए यहाँ से ये फिल्टर यहाँ से हट जाएगा।
तो बेसिकली आप कोई चीज़ डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, कोई नहीं कराना चाह रहे, या फिर आप उसमें देखना चाह रहे हैं कि ये कंडीशन लगाएंगे तो कितना अमाउंट निकलना है, कितनी वैल्यू निकलना है, इस तरह की कंडीशन लगाने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर फिल्टर में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग भी मिलेगा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग का काम होता है, असेंडिंग का काम होता है 1, 2, 3, 4, 5 और डिसेंडिंग का 5, 2, मतलब आपको सिस्टमेटिक वे से आपको वैल्यू देखना है तो वो भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं चलिए असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। देखिए अभी 5, 4, 9, 7, 12 है, ठीक है, आप चारों स्लिंग से ये वैल्यू आ जाए यहाँ पर, पहले आपकी छोटी वैल्यू है, उसके बाद से बड़ी, उसके बाद फिर से बड़ी, तो इस तरह से यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग काम करता है। देखिए यहाँ पर अभी 5 है, 4 है, फिर 9 है, तो यहाँ पर आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। तो मैं असेंडिंग करता हूँ, ठीक है, 8, और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कंडीशन लगी है इसलिए प्रॉब्लम, कंटिन्यू करंट पेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर असेंडिंग काम कर गया, लेकिन यहाँ पर वैल्यू सभी चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है और सभी में चेंजेस करेगा। ठीक है, पूरी यहाँ पर असेंडिंग लग चुकी है, देखिए 4, 5, 7, 9, 8, ठीक है। अगर डिसेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग भी आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू विद एंड सिलेक्शन शॉर्ट, देखिए 9, 7, 5, 4। असेंडिंग का काम होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड डिसेंडिंग होता है 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर असेंडिंग ऐसा काम करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फिल्टर में आपको बहुत सी चीज़ मिल जाएंगी, लेकिन आपको क्या, आपको कौन से किस तरह की कंडीशन लगाने, वो आपको तय करना है, ठीक है। हम यहाँ पर केवल गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।